वेलकम टू आर चैनल मॉम डैड एंड मी। आज हम लेकर आए हैं प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए होममेड वर्कशीट, क्योंकि कोरोना वायरस का टाइम है, लॉकडाउन का टाइम है, हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं और घर पर रहकर बच्चे को सिखाना तो पड़ेगा हमें, तो उसी के लिए हम कुछ वर्कशीट्स लेकर आए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं इसके लिए मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है, सो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पर चलिए शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हमें बच्चों को 4 टाइप्स की लाइन सिखानी होती हैं। वो कौन सी? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन एंड द स्लैंटिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन इस तरह की होती है, स्लीपिंग लाइन ये होती है, कर्व लाइंस ये होती हैं एंड द स्लैंटिंग लाइन ये होती हैं। अब आते हैं हम अपनी वर्कशीट नंबर 1 पर। इसमें हम बच्चे से बोल सकते हैं, बेटा व्हाट इज दिस? बच्चा बोलेगा, मामा दिस इज बनाना। बेटा चलिए बनाना को येलो कलर से ज्वाइन करते हैं। मेक अ लाइन, वेरी गुड। वॉट इज दिस? दिस इज लीव। इस लीव को ग्रीन कलर से मैच करिए। मेक अ लाइन, वेरी गुड। बच्चा प्रॉपरली नहीं करेगा, बच्चे को टाइम लगेगा और वो टेढ़ा मेढ़ा करेगा, उल्टा सीधा करेगा, करने दीजिए और धीरे धीरे करेगा। पर उसको हमें प्रैक्टिस तो करवानी पड़ेगी, वर्कशीट्स देनी पड़ेंगी, तभी जाके बच्चे को अच्छे से वो आ पाएंगे। और इन वर्कशीट में कुछ नहीं है, बहुत ईजीली आप घर पर बना सकते हैं इसको। हमें ना ही कोई पैसे खर्च करने हैं, ना मार्केट जाना है, ना कुछ करना है, घर पर ही रहकर किसी भी पेन पेपर से आप घर पर बना सकते हैं। अब बच्चे से कहेंगे, बेटा इस एप्पल को रेड कलर से मैच करिए, जॉइंटेड लाइन को फॉलो करिए, वेरी गुड। ग्रेप्स को ग्रीन कलर से फॉलो कर बना दीजिए लाइन। इससे बच्चा स्टैंडिंग लाइन बनाना सीखेगा, इससे बच्चा स्लीपिंग लाइन बनाना सीखेगा। बच्चे से कह सकते हैं, बेटा इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करिए। मेक अ लाइन, वेरी गुड। मेक अ लाइन, वेरी गुड। आप बच्चे से बोल सकते हैं, बेटा दिस इज बी एंड दिस इज हाउस। इस बी को इस हाउस में जाना है, तो वो कैसे जा सकता है? इस लाइन को फॉलो करके। चलो इस लाइन को बनाते हैं, जॉइंटेड 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 जॉइंटेड, वेरी गुड। यू मेक अ लाइन, वेरी गुड। वेल यू आर सच अ इंटेलिजेंट गर्ल, यू आर सच अ इंटेलिजेंट बॉय। इस तरह से हमें बच्चे को थोड़ा सा एनकरेज करना पड़ेगा, बच्चा सब कुछ कर लेगा। बच्चे से बोल सकते हैं, बेटा दिस इज बी, दिस इज ऑल्सो बी। ये बी इसकी फ्रेंड है, इस बी को इस फ्रेंड से मिलने जाना है, तो वो कैसे जाएगी? यहाँ से चल कर जाएगी, वेरी गुड। अब बच्चे से बोल सकते हैं, व्हाट इज दिस? दीज आर द क्लाउड्स। चलिए आज हम रेन रेन करते हैं, ठीक है? कैसे करेंगे? रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वॉन्ट्स टू प्ले, रेन रेन गो टू स्पेन। इससे क्या होगा, हम बच्चे से राइम्स भी सुन सकते हैं और बच्चे से ये एक्टिविटी करा सकते हैं, इससे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट पर, क्योंकि हम दो काम बच्चे से एक साथ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से आप ये पैटर्न को पूरा करवा सकते हैं, इससे बच्चा स्लैंटिंग लाइन बनाना सीखेगा। अब बच्चे से हम ये करवा सकते हैं, बेटा ये बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की फ्रेंड है, इसको इससे मिलने जाना है। आपको आता है ना कैसे जाते हैं? पहले भी आपने उसको भेजा था बी को, बी फ्रेंड के पास, तो इसी तरह से हम इसको भी भेजेंगे। चलो बटरफ्लाई को इस बटरफ्लाई के पास ले जाते हैं। वाओ, आ गई ये बटरफ्लाई। तो अब ये बटरफ्लाई फ्लावर के ऊपर जाना चाहती है, कैसे जाएगी? चलो मामा के साथ चलते हैं लेकर से। वेरी गुड, गुड जॉब। अब बच्चे से कहेंगे, बेटा ये आपका फ्रेंड है, ये आपका हाउस है, अब इस फ्रेंड को आपके हाउस में आना है, कैसे आएगा? आपको तो सब आ गया है ना, अब आप भेज के दिखाओगे इसको। चलो लेकर आओ अपने फ्रेंड को अपने पास। कम 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 टू मी, लो जी आ गया भाई, आपका फ्रेंड भी आ गया। चल इस तरह से हमारी वर्कशीट 2 कंप्लीट होती है। नाउ वर्कशीट 3। ये वर्कशीट हमारी शेप रिलेटेड वर्कशीट है। इसमें हमें बच्चे को सबसे पहले शेप्स के बारे में सिखाना होता है। बच्चे को शेप्स कैसे सिखाएं इसके लिए भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है, सो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इस पहले हमें बच्चे को शेप्स के बारे में सिखा दिया, उसके बाद में बच्चे से हम पूछ सकते हैं, व्हाट इज दिस? बच्चा बोलेगा, मम्मा दिस इज ट्रायंगल। चलो ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है? एंड यू नो व्हाट इज दिस? दिस इज यमी यमी चीज, लेट्स ईट दिस चीज, राइट? चलो इसको बनाओ। मेक अ लाइन, वेरी गुड। मेक अ लाइन, वेरी गुड, वेरी गुड। इससे बच्चा स्लैंटिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन दोनों बना रहा है, तो इसकी दोनों की प्रैक्टिस हो रही है। इसी तरह से हम सारे ट्रायंगल्स को बच्चे से बनवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। हम बच्चे से इस स्क्वायर को बनवा सकते हैं।
इस स्क्वायर में आपकी दो तरह की लाइंस हैं, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, दोनों की प्रैक्टिस हो रही है। अब हमने स्मॉल स्क्वायर बनवा लिया, अब हम बिग स्क्वायर पर चलते हैं, बिग स्क्वायर बनवाएंगे बच्चे से। ऐसा हम क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि बच्चे को स्मॉल लाइंस, बिग लाइंस, हर तरह की लाइंस की प्रैक्टिस हो और हर तरह की लाइंस बनानी आ सके। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कशीट पर। ये हमारी मैचिंग वर्कशीट है। इस वर्कशीट में हम बच्चे से पहले पूछ सकते हैं, बेटा व्हाट इज़ दिस, बच्चा बताएगा दिस इज़ रेक्टेंगल, बेटा व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ ट्रायंगल। इससे हम पहले बच्चे की शेप्स का रिवीजन कराएंगे, उसके बाद में इन शेप्स को ड्रॉ करवाएंगे। वो कैसे, इन डॉट्स को फॉलो करके बच्चा इजीली इन शेप्स को बना सकता है। जब बच्चा सारी शेप्स बना ले, उसके बाद में हम बच्चे से हम पूछ सकते हैं, बेटा दिस इज़ रेक्टेंगल एंड सर्च वेयर इज़ अदर रेक्टेंगल। बच्चा कहेगा मा हेयर इज़ रेक्टेंगल, यस नाउ जॉइंट इट, वेरी गुड। इसी तरह से बेटा व्हाट इज दिस, मामा दिस इज ट्रायंगल, नाउ सर्च वेयर इज अदर ट्रायंगल, मामा हेयर इज ट्रायंगल, सो जॉइंट इट। इसको इस तरह से बच्चे से हम वर्कशीट को कंप्लीट करवा सकते हैं। इस वर्कशीट से बच्चे की तीन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पहले बच्चे का शेप का रिवीजन हो रहा है, दूसरा बच्चा शेप्स बनाना सीख रहा है, तीसरा बच्चा उसको मैच करना सीख रहा है। तो इन तरह की इस तरह की कुछ वर्कशीट आप बच्चों को दे सकते हैं। और बच्चे को देखिए, बच्चा छोटा है तो हमें बच्चे से बातें बनाकर ही ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। और सीरियसली गाइस, बच्चा इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेगा, पहले आप उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करिए ये सब चीज़ों के लिए बातें बनाकर। उसके बाद में बच्चे को आप खुद दोगे ना, वो उसमें इतना इंटरेस्ट लेगा, वो पूरे दिन करवा लो। जैसे मैं अपनी बेटी की बताऊँ तो मेरी बेटी को आप पूरे दिन ये वर्कशीट दे दो, वो हर टाइम करती रहेगी। चलिए, अब बच्चा जब इन लाइंस को फॉलो करना सीख जाता है तो हम बच्चे को दो डॉट्स दे सकते हैं और बोल सकते हैं, बेटा इसको ज्वाइंट करिए। बच्चा इसको ज्वाइन करेगा, इससे बच्चे की स्लैंटिंग लाइन बनाना सीखेगा। बच्चा इस पैटर्न को भी फॉलो कर सकता है, इसी तरह इस पैटर्न को भी। ये आपका स्लैंटिंग लाइन का पैटर्न है, इसको भी फॉलो कर सकता है। ये आपका कर्व लाइन का पैटर्न है, इसको भी फॉलो कर लेगा। अब बच्चे को हमने स्लैंटिंग लाइन बनवाई थी ऊपर, अब यहाँ इन दो डॉट्स से हम बच्चे से स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, जो आपकी मर्जी हो वो बनवा सकते हैं। इस तरह से बोल सकते हैं, बच्चा इसको भी ज्वाइन करिए। तो इससे हम एक पैटर्न बनवा लेंगे, लो जी रेक्टेंगल बन गए। तो इस तरह से आप बच्चे से इस वर्कशीट को कंप्लीट करवा सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कशीट पर। इस वर्कशीट में आप बच्चे से अगेन स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, स्टैंडिंग लाइन की। ये लीजिए, ये आ गया स्लैंटिंग लाइन का पैटर्न, ये भी आपका स्लैंटिंग लाइन का पैटर्न है। ये कर्व लाइन का पैटर्न आ गया, ये अपोजिट कर्व लाइन का पैटर्न आ गया। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चे से सिखा सकते हैं। ये भी कर्व लाइन का पैटर्न है, ये कर्व लाइन का पैटर्न है, और इसमें आप बच्चे को सी बनाना सिखा रहे हैं। इससे बच्चा सी बनाना सीखा। ये कर्व लाइंस और स्टैंड, ये सारी लाइंस हम बच्चे को क्यों सिखाते हैं, ताकि बच्चे को अल्फ़ाबेट्स बनाने में आगे चलकर इजी हो, बच्चा आसानी से बनवा सके। जब ये कर्व लाइन आ गया, अब बच्चे को स्टैंडिंग लाइन बना, तो ये बन गया डी। लो बच्चा सी और डी दोनों बनाना सीख गया। इससे आप बच्चे की यू की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इससे बच्चा यू बनाना सीख जाएगा। इसी तरह से इससे बच्चा एम बनाना सीख रहा है, एन बनाना सीख रहा है। ये भी एक कर्व लाइन का पैटर्न है, इससे बच्चा एस बनाना सीख रहा है। ये कर्व लाइन के पैटर्न में बच्चा आपका क्या सीख रहा है, ई बनाना सीख रहा है, एल बनाना सीख रहा है, ओ बनाना सीख रहा है। तो ये सारे पैटर्न्स बच्चा फॉलो करके बहुत इजीली अल्फाबेट्स पर हम बच्चे को सिखा सकते हैं। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।